चलो तो बाकी लोग आते हैं क्या नहीं है रुकेंगे नहीं हम लोग चलो करेंगे तो कितना है तो लैमड़ा कितना है फोर थाउजेंड लैमड़ा कितना है फोर थाउजेंड इंटू टेन 4000 टू माइनस टेन फोर थाउजेंड इंटू टेन एस टू माइनस टेन कैपिटल डी कितना है टू है? है इस केस में और स्मॉल डी कितना है one millimeter, one millimeter मतलब जो तो जो जो है है था सॉल्व करने का तो ये आएगा बैंड ठीक है चलो लिखो इसको लिखे रखो बैंड का यूनिट क्या रहता है का यूनिट क्या रहता है तो बैंड वीड का यूनिट रहता है, तो है मीटर बैंडविर्थ का बीटा का यूनिट क्या रहता है तो बैंडविद का बीटा का यूनिट रहता है मीटर ठीक है चलो लिखो बीटा लिखो बैंडविड बीटा का यूनिट क्या रहता है तो मीटर रहता है ठीक है चलो और एक डिफरेंट हो गया क्या और एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आता है और एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आता है देखो ये बैंडविड्थ हो गया अभी बैंडविड्थ से और एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आता है देखो चलो हो गया आगे जाएंगे चलो तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहता है देखो ऐसा होता है क्या होता है देखो तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है देखो अभी इधर है स्लिट्स है इधर है अपना स्क्रीन है पूरा बैंड इद, बैंड इधर है सीबी रहेगा फिर वन डी फिर वन फर्स्ट ब्राइट फिर सेकेंड डार्क सेकेंड ब्राइट नीचे भी रहेगा फर्स्ट डार्क फिर फर्स्ट ब्राइट रहेगा फिर सेकेंड डार्क ऐसा नीचे भी बैंड्स रहने वाला है ऊपर भी बैंड्स रहने वाला है ठीक है तो देखो क्या किया इसमें और एक, एक स्पेशल टाइप का थोड़ा सा चेंज किया क्या चेंज किया ये जो ऊपर का स्लिट है उसके आगे एक स्लैब रख दिया ग्लास का स्लैब रख दिया कैसा स्लैब है देखो ऐसा स्लैब है ये डस्टर है ऐसा एक स्लैब है लेकिन ट्रांसपेरेंट है किसका है ग्लास का स्लैब है समझ रहा है ऐसा ग्लास का स्लैब ये जो इधर से स्लिट इसमें से भी लाइट आ रहा है इसमें से भी लाइट आ रहा है दोनों लाइट इंटरफेयर हो रहा है और यहां पे बैंड पैटर्न मिल रहा है तो ये जो ऊपर का स्लिट है उसके आगे यहाँ पे क्या रख दिया एक ऐसा ग्लास का स्लैब रख दिया तो इसका थिकनेस कितना है इस ग्लास की स्लैब का थिकनेस कितना है तो इसका थिकनेस है फोर सेंटीमीटर इस ग्लास की स्लैब का थिकनेस कितना है फोर सेंटीमीटर ये जो ग्लास का स्लैब है उसका थिकनेस कितना है फोर सेंटीमीटर है उसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उसका तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वन पॉइंट फाइव तो अब होता क्या है देखो अब होता क्या है अब होता क्या है? इधर एक ग्लास का स्लैब है इधर एक ग्लास का स्लैब लगाया तो ये पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऊपर ग्लास का स्लैब लगाया तो ये पूरा का पूरा बैंड्स का पैटर्न है ऊपर शिफ्ट हो जाता है हर एक बैंड सी भी थोड़ा ऊपर जाता है वन डी भी उतना ही ऊपर जाता है वन भी उतना ही सब बैंड्स क्या होता है पूरा का पूरा पैटर्न क्या होता है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता है तो ये अगर वन सेंटीमीटर ऊपर जाता है तो वन बी बी वन सेंटीमीटर ऊपर जाता है बी भी वन सेंटीमीटर ऊपर जाता है ये वन बी भी सब सब बैंड उतनी ही डिस्टेंस से ऊपर शिफ्ट होते हैं अगर ऊपर वाली स्लिट के आगे हम लोगों ने अः स्लैब को रखा तो अगर वही स्लैब नीचे रख दिया ये जो ग्लास का स्लैब है यही स्लैब क्या है नीचे रख दिया तो एंटायर बैंड क्या होता है नीचे शिफ्ट होता है इधर रख दिया ग्लास तो नीचे शिफ्ट होगा इधर रख दिया तो क्या हो जाएगा ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ठीक है ओके चलो तो कितने से शिफ्ट होगा ये पूरा जो बैंड है ये बैंड जो है कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा तो कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है तो कैपिटल डी कितना है कैपिटल डी है टू तो कैपिटल डी कितना है कैपिटल डी है टू स्मॉल डी कितना है स्मॉल डी है वन मिलीमीटर तो वन इंटू टेन टू माइनस थ्री कैपिटल डी कितना है कैपिटल डी है टू स्मॉल डी कितना है वन मिलीमीटर तो फॉर्मूला ही है इंटू कितना म्यू माइनस वन तो ये वन पॉइंट फाइव माइनस वन कितना जीरो पॉइंट फाइव और थिकनेस कितना बोल रहा है

टेन रू माइनस टू है ये ऊपर जाने के बाद प्लस बनता है तो थ्री माइनस टू कितना बन तो टेन ये आता है फोर्टी ये क्या आता है फोर्टी मीटर ठीक है तो ये आता है क्या फोर्टी मीटर तो क्या होता है ये एंटायर पूरा का पूरा पैटर्न क्या होता है 40 मीटर से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा इतने डिस्टेंस से क्या हो जाएगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो कितने डिस्टेंस से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला है डी बाई डी इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी क्या फॉर्मूला है डी बाई डी इंटू म्यू ठीक है तो चलो ये लिख के ले लो ये लिख के ले लो क्या है क्वेश्चन लिखो पहले अगर इधर भी ग्लास लगाया और इधर भी ग्लास लगाया तो ये ऊपर का ग्लास बोलेगा पैटर्न को ऊपर शिफ्ट हो जाए अगर ऊपर भी स्लैब लगाया और नीचे भी स्लैब लगाए तो क्या होगा ऊपर स्लैब लगाया तो ऊपर शिफ्ट होगा नीचे लगाया तो नीचे शिफ्ट होगा तो दोनों तरफ लगाए तो उदर उदर है उधर के उधर ही रहेगा तो पैटर्न उधर ही रहेगा कुछ शिफ्टिंग वगैरह नहीं होगा तो जिधर स्लैब लगाया उसका उस डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जाएगा ठीक है चलो तो क्वेश्चन लिखो चलो पहले क्वेश्चन लिखो क्या है फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट शिफ्टिंग ऑफ बैंड्स फाइंड आउट शिफ्टिंग ऑफ बैंड्स इफ ग्लास स्लैब ऑफ फाइंड आउट शिफ्टिंग ऑफ बैंड्स find out shifting of bands if glass slab of thickness 4 centimeter if glass slab of thickness 4 centimeter and refractive index 1.5 and refractive index 1.5 is placed in front of one of the slit is placed in front of one of the slit ज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ दिस चलो हो गया तो उसके नीचे क्या करो यह आंसर लिखो यह आंसर लिखो आज क्या क्या हुआ है एक बार उसका रिवाइज करता हूं मैं फिर जाएंगे चलो यह आंसर लिखो मैं दो मिनट में आता हूं फिर रिविजन करेंगे फिर जाएंगे चलो हो गया क्या थोड़ा फॉर्मूला मुझे थोड़ा कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है इसमें इसलिए एक बार कंफर्म करता हूं तो फिर जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं करेक्ट है सब चलो चलो मुझे क्या लग रहा था ये स्मॉल डी ऊपर है क्या कैपिटल डी नीचे क्या ऐसा थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था इसलिए करे चेक क्या बराबर है तो शिफ्ट कितना होता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी हो गया क्या चलो लिख के हो गया क्या चलो तो आज क्या क्या किया आज क्या क्या किया देखो आज क्या क्या किया रिवाइज करता हूं एक बार में एक तो ये फॉर्मूला देखा ये पहले से ही देखा था ये ऑलरेडी पता था फॉर्मूला क्या था ये फॉर्मूला तो इसको और एक बार मैं रिवाइज करता हूं लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला एंड लैमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी और इधर भी टू एंड माइनस वन टू इन टू लैमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी तो ये फॉर्मूला पहले से ही देखा था

स्लैब रखने के बाद ऊपर रखेंगे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा नीचे स्लैब रखेंगे नीचे शिफ्ट हो जाएगा कितने से शिफ्ट होगा हर एक बैंड शिफ्ट होगा हर एक बैंड शिफ्ट होगा कितने से शिफ्ट होगा ये फॉर्मूला डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी सेमूला थर्ड क्या देखा थर्ड क्या देखा है क्या कुछ और हाँ बैंड विड्थ देखा दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट्स के बीच का डिस्टेंस दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस है बैंड विड्थ बैंड विड्थ कितना है लैमडा कैपिटल डी ऑपन स्मॉल डी तो इतना ही देखा है अब इंटरफ्रेंस में एकदम ही थोड़ा बचा है, इंटरफ्रेंस में एकदम ही थोड़ा पार्ट बचा है, कल हाफ लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा कल आधे लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या करेंगे डायफ्रेक्शन चालू करेंगे ओके चलो तो आज के लिए बस हो गया आज के लिए बस हो गया